ये देख सकते हैं गाइस, मैंने लेकर आई हूँ गवार की फली और कोतमीर। अलबिरा हमारी गवार की फली तोड़ रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बना रहे पानी पूरी घर में खाने के लिए। तो उसके लिए वटाने रात में भिगने डाल दी थी मेरी बेटी ने। इसके अंदर कलेजी है बनी हुई मुर्गी की और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी चाय बन रही है। गुड मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 10। और यहाँ पर मैंने मटन उबालने के लिए रख दी हूँ, धोकर अच्छे से चढ़ा दी हल्दी नमक अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर। और कीमा भी लेकर आई हूँ और कीमा रख दी हूँ मैंने फ्रिज में और शाम में बनाएंगे हम। और अभी बना रहे गवार। यहाँ पर हमारी रोटी बन चुकी है जवार की। सना चिंदाना के साथ, सना नहीं चना चना उसके साथ बिग बॉस देखने का है। हाय गाइज, अस्सलाम वालेकुम। मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा चम्मच तेल ली और उसी के अंदर मैंने जीरा डाली हूँ। और जीरा डालने के बाद इसके अंदर मैं प्याज डाली हूँ एक छोटी मीडियम साइज की। के साथ में है दो हरी मिर्ची के टुकड़े करके ले ली मैंने, चीर कर ली एक मिर्ची के तीन तीन पीस करी, समझो तीन तीन टुकड़े। चम्मच छोटा अदरक लहसुन का पेस्ट और ये हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इसी के अंदर हम हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे, नमक डालेंगे हमारे टेस्ट के हिसाब से। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इसी के अंदर एक मीडियम साइज का मैंने टमाटर ली हूँ। आपकी भिंडी अगर से ज़्यादा है तो आप दो भी टमाटर ले सकते हैं, मैंने सिर्फ पाव किलो भिंडी ली इसीलिए अंदर एक ही टमाटर डालूंगी। यहाँ पर हमारे टमाटर वो अच्छे से गल चुके हैं, ये देख सकते हैं अच्छे से नरम हो गए। इसके अंदर हम ये भिंडी डाल देंगे और भिंडी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। वही है रोटी, रोटी बनकर तैयार और भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है गाइस। ये देख सकते हैं हमारी भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कट कर। यहाँ पर ली हूँ पाव किलो से कमी है एक बड़ी वाटी भर के चने का आटा है और पाव किलो दही है। मैं बना रही हूँ दही की कढ़ी, तो उसके लिए मैंने पाव किलो दही ली और आधी कटोरी चने का आटा है। इसके अंदर हम डालेंगे एक मुट्ठी भर के कोतमीर और यहाँ पर है हरी मिर्च और दो ढाले कोतमीर के और मैंने एक गड्ढा भर के लहसुन ली, यानी कि एक गड्ढा आता ना लहसुन का उतना मैंने लहसुन ली। तो हम इसके अंदर हरी मिर्ची पीसकर लहसुन है और साथ में इसके ज़ीरा भी पिसा हुआ है गाइस। साथ में मैंने ज़ीरा लहसुन और हरी मिर्ची और एक ढाला कोतमीर का पीसने में डाली हूँ और कट करी हुई कोतमीर भी इसके अंदर डाल दी। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, इसके अंदर मैं एक चम्मच भर के नमक डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। और गाइस इसके अंदर और ज़ीरा भी है, मैंने पीसने में ज़ीरा भी डाली हूँ। अभी इसको हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे।
गाइस, तो मैंने इसको इसमें अपने हिसाब से जितना मुझे लगती कड़ी वो हिसाब से मैंने पानी डाली। आपको जितना चाहिए तो आप अपने हिसाब से पानी डालना और इसको हलाते ही रहना, नहीं तो नीचे दाग लग जाता। तो कड़ी है तो जब तक ये खौलेंगी नहीं, पकेंगी नहीं, तब तक हमको ऐसा चम्मच मारना है। तो इसके अंदर नमक वो सब मैंने ऐड कर चुकी हूँ अपने हिसाब से। इसके बाद आगे का आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और सेहतमंद हूँ, और दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारे इधर चले गया है सुबह के 1 बजे से पानी नहीं है, पानी चलेगा, और मैंने भर के भी नहीं रखी थी क्योंकि मैं पानी का हंडा या मटका या कलसी जो भी है मैं पानी भर के नहीं रखती थी, नल से ही यूज़ कर लेना। और पानी की बॉटल फ्रिज में तो भरी हुई है, टाकी खाली थी तो टाकी को फटाफट मैंने भर के ले ली, तो आधी ही टाकी भी है, मतलब फुल भर दी थी टाकी को, लेकिन टाकी अभी फ़िलहाल आधी है। सुबह से हमने काम करे लेकिन वजू के लिए अभी पानी देखना पड़ेगा है कि नहीं। असर की नमाज़ का वक्त हो चुका है और असर की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ मैं, तो देखूँगी कितना टाकी के अंदर पानी है, तो वजू करके ले लूँगी और फिर आपको नमाज़ के बाद मिलती हूँ अगले वीडियो में। और अभी पानी जल्दी आगा तो अच्छी बात है, और खाना बनाना है शाम का, पानी बिल्कुल नहीं है टाकी में जो है, अब वो कब तक चलेगा पता नहीं, यूज़ करने पे है वो तो पानी समझ में नहीं आ रहा पानी कब आएगा। और पानी नहीं है तो मन बिल्कुल नहीं लग रहा, और पानी है तो पानी से हमारे सारे काम होते हैं, पानी के बिना कोई काम होता ही नहीं है। तो चलिए गाइस, फिर आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, और मेरा वीडियो आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक ज़रूर करना, और आपके दोस्तों में रिश्तेदारों में मेरे वीडियो को शेयर करना। और अगले वीडियो में मिलूंगी अच्छे से। और आज मैंने बनाई थी भिंडी बनाई थी और दही की कढ़ी बनाई थी, और ये रात में बनाई थी मैंने दही की, नहीं सुबह में बनाई थी मैंने गवार की फली, और जो अलविरा हमारी गवार की फली काट रही थी तो गवार की फली बनाई थी, और रात में बनाई थी मैंने भिंडी आपके भाईजान के लिए और हमारे लिए दही की कढ़ी, क्योंकि आपके भाईजान को दही की कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है तो हमारे लिए दही की कढ़ी बनाई थी। तो आपको वो वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। बाय गाइज़।